بارے دیگر نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم نعرہ دیگر نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سلام مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروردگار سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب
आप इनसे कह दें इन कुन तुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिउनी, मेरी इत्तबा करो। युहबिबकुमुल्लाह, जब तुम मेरी इत्तबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। कल मैंने आपकी खिदमत में जो मतालिब अर्ज किए उनका जानना इसलिए जरूरी है कि इंसान को ये बात समझ में आए कि मोहब्बत होती क्या है, पैदा कहाँ पर होती, पाई कहाँ पर जाती, क्या चीज है कि जिसका ताल्लुक हमारे वजूद में मोहब्बत। मैंने इब्तदाई दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि चूंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम ये समझते हैं कि हमें मालूम है, लेकिन जब उस पर दकीक गुफ्तगू की जाती है तो या हमारा कॉन्सेप्ट गलत होता है या नाकिस और महदूद होता है, जिसके नतीजे में कुरान और रिवायात की गुफ्तगू कि इंशाल्लाह कल या परसों आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि एक बहस है, अपनी जगह एक मौजू है अलबत्ता मुफस्सल, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इशारतन कुछ गुफ्तगू करूंगा। हमें और आपको ये सोचने और गौर करने की जरूरत है कि हमारा कुरान के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं है, हम नहजुल बलागा क्यों शौक से नहीं पढ़ते, हम अहले बैत के कलाम से जितनी मोहब्बत के हम दावेदार हैं, अहले बैत से जितने हम खुदा से मोहब्बत के दावेदार हैं, इंसान किसी से मोहब्बत रखता है, लगाव रखता है, तो एक तरीका इजहार का क्या है कि इंसान उससे बात करना चाहता है, उसके कलाम से वाकिफ होना चाहता है। दुनिया में जितनी मर्जी आप बड़ी कौमें उठाएं, वो अपने हीरोज को जो उनके बड़े अफराद हैं, हीरोज हैं, अगर उनकी कोई राइटिंग्स हैं तो उनको पढ़ा जाता है। मसलन पाकिस्तान, आज 14 अगस्त भी है, अगर फर्ज करें कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के नेशनल शायरों में से हैं, तो एक बड़ी तादाद है जिसने इकबाल को पढ़ा हुआ, इकबाल पर इतना काम हुआ। क्या हम कुरान से अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने के बावजूद भी कितने अफराद हैं कि जिन्होंने आज तक नहजुल बलागा कामिल पढ़ी? कुरान तो फिर चले कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलसिला हो जाता है, लेकिन हम तो सबसे ज्यादा मौलाए कायनात से मोहब्बत के दावेदार हैं ना, तो हमने मौलाए कायनात की मुनशरन नहजुल बलागा या और बहुत सारी किताबें हैं, कितनी हदीस की किताबें हम जानते हैं कि है, कितना हम आइम्मा अहले बैत के कलाम से वाकिफ और आशना है। एक वजह क्या है कि हम क्यों नहीं पढ़ते? वजह यह है कि हमारी जात इस वक्त जो हम जिस तरीके के हो चुके हैं उसमें संजीदगी का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है। जिन चीजों की मोहब्बत में तागूती और शैतानी निजाम ने हमें लगा दिया है, उसका नतीजा क्या है? हमारा जो संजीदगी का लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है। जब संजीदगी का लेवल नीचे आ जाता है तो संजीदा गुफ्तगू और कलाम इंसान को बोर लगने लगती है, फजूल लगने लगती है। अब चूंकि हम संजीदा गुफ्तगू के आदि नहीं हैं, लिहाजा हमें कुरान में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता, हम संजीदा गुफ्तगू के आदि नहीं हैं, लिहाजा हमें नहजुल बलागा में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। लेकिन हर वो इंसान के जो अदबी तौर पर या तालीमी और इल्मी तौर पर संजीदा गुफ्तगू पसंद करता है, जरा सा कुरान और नहजुल बलागा से वाकिफ होता है, उसका आशिक हो जाता है।
इसलिए कि जब आप संजीद, अब सवाल ये पैदा होता है कि यही जो संजीदगी का लेवल है, मोहब्बत रखने के बावजूद मैं संजीदा नहीं हूं, क्यों? क्या बात? तो अब ये जानने की जरूरत है कि मैं मोहब्बत जो कर रहा हूं मौलाए कायनात से, ये कौन सी मोहब्बत है जो मुझे संजीदा नहीं कर रही। लिहाजा कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इंसान के अंदर तीन मकामात रूह में जो उसके हैं, नफ्स, अकल और कल, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इनमें नफ्स की जितनी भी मोहब्बतें हैं, जितनी भी लज्जतें हैं, जितनी भी शहवात, इन सब का ताल्लुक नफ्स है। लेकिन अगर मोहब्बत नफ्स के मरहले में रहे, इस मोहब्बत को मोहब्बत मजाजी या एतबारी कहा जाता है। नफ्स की मोहब्बत का कोई एतबार नहीं, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं। क्यों नहीं हकीकत? इसलिए कि नफ्स चीजों की जाहिरी जिबाई को देखता है। लिहाजा अगर मैं आपको, जो हमारे साथ हो भी रहा है, सुन, हमें अगर जहर भी चीनी में घोलकर पिला दिया जाए तो हम खुशी से पी लेते हैं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, ये जो चॉकलेट्स हम खाते हैं और इस तरह का बहुत कुछ है, ये क्या है? सब जहर है। हमें अगर अच्छे जायके के साथ चीनी में घोलकर और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पिला दिया जाएगा, हम पी लेंगे। नफ्स ये है जो चीजों की जाहिरी जिबाई। अब जाहिरी जिबाई नफ्स को उस वक्त तक अच्छी लगती है जब तक उसकी जरूरत बाकी रहती है। जरूरत खत्म, नफ्स उससे बेजार हो जाता है। दुनिया का बेहतरीन खाना आपके सामने लाकर रख दिया जाए एक वाफिर मकदार में, आपने पेट भरकर खा लिया, एक खास सेचुरेशन लेवल आएगा, उसके बाद दुनिया का वो बेहतरीन और आपका पसंदीदा खाना कि जो आप निहायत पसंद करते हैं, उस सेचुरेशन लेवल के बाद आपको पसंद आना बंद हो जाएगा। ये फितरत है इंसान। इकोनॉमिस्ट जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के नाम से याद करते हैं, वो अपनी जगह मौजू है अलग से, लेकिन ये इंसानी फितरत है, एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ जो इकोनॉमिस्ट ने दरियाफ्त किया है, इसकी हद भी नफ्स की हद तक है। खुद इकोनॉमिस्ट से ये सवाल करना चाहिए कि अगर कहीं पर मोहब्बत शऊरी सफर तय कर ले तो क्या फिर इंसान का रवैया उसके साथ वैसा ही रहता है? और अगर शऊरी मंजिल तय करके कल्ब के मरहले में दाखिल होकर हकीकत में तब्दील हो जाए तो क्या फिर भी इंसान का रवैया उसके साथ वो रहेगा? अब ये वो चीजें जिनको इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं करती। बस जब तक नफ्स के अंदर है मोहब्बत मजाजी और एतबारी, अक्ल के मरहले में आती है तो शऊरी मोहब्बत बनती है, और कल्ब के मरहले में वारिद होती है तो मोहब्बत हकीकी बन जाती है। लेकिन कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर इब्तिदा में नफ्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वह अक्ल को अपने ताबे कर लेता है, और जब अक्ल ताबे हो जाती है नफ्स के तो नफ्स तस्वील करता है और अक्ल को हुक्म देना शुरू करता है जिस तरह से अक्ल को चाहिए कि वो नफ्स को हुक्म दे। अगर ये कैफियत शदीद हो जाए तो अक्ल नफ्स के इतने ताबे हो जाती है कि शऊरी तौर पर भी अक्ल उस गलत और बातिल चीज से मोहब्बत करने लगती है। और फिर अगर यही कैफियत मजीद शदीद हो जाए तो नफ्स नफ्स शैतानिया में तब्दील हो जाए। कुरान कहता है ना, वकज़ालिक जअलना लिकुल नबिय्यिन अदुवन शयातीन मिनल इंस वल जिन्न, हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए हैं शयातीन, जो कि जिन भी हैं और इंसान भी।
पर शैतान अजिन्ना में से भी होता है, शैतान इंसानों में, इंसान में शैतान बनता कब है, जब उसकी अक्ल उसके नफ्स के ताबे होकर उस जगह पर पहुंच जाए कि नफ्स हत्ता उसके कल्ब के ऊपर हुकूमत करने लगे। बस जब नफ्स उसके कल्ब पर हुकूमत करने लगता है तो मैंने अर्ज़ किया कल्ब में जो मोहब्बत जाएगी वो हकीकी मोहब्बत है। अब है गलत लेकिन हकीकी है। मैंने कल आपके सामने मिसालें पेश की और तारीख में ऐसी मिसालें भरी पड़ी। बस ये जो इंसान होता है ये खुद क्या बन जाता है, शैतान बन जाता है। लिहाजा गौर कीजिएगा, नफ्स की जो मोहब्बतें हैं उनका ताल्लुक इंसान की जरूरत से है, और अब अगर इंसान के वजूद में अल्लाह या इलाह या माबूद की जरूरत भी पाई जाती हो तो एक हद में इंसान की अल्लाह या इलाह या अपने माबूद से मोहब्बत का ताल्लुक नफ्स तक रहता है। ये जरूरत का मरहला है। इंसान जिस चीज की जरूरत महसूस करेगा नफ्स में उसकी अट्रैक्शन पाई जाए। मैंने अर्ज किया था जब तक अकीदा बेदलील रहता है उसका ताल्लुक नफ्स से होता है। एक प्रोसेस है ना, आपको हम बचपन से आंख खोलते हैं, हमें एक खुदा एक नबी अइम्मा इनका एक तारुफ बचपन से कराया जाता है। ये तारुफ जब बचपन से होता है तो क्या होता है, नफ्स बगैर दलील के एक इलाह से, जैसे वतन की मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत क्या है, इसी तरह से इंसान के नफ्स जरूरत है हिस्सा है। जब तक वतन की मोहब्बत बेदलील रहे नफ्सानी ख्वाहिश होती है। कबीले की मोहब्बत जब तक नफ्स की जरूरत और नफ्स से ताल्लुक रखे नफ्सानी ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर यहां पर दलील और अक्ल हाकिम हो जाए यही मोहब्बत शऊरी मोहब्बत बन जाती है, और हाकिम अगर अक्ल हो तो इंसान वो सफर तय करता है जो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उसके अंदर लबामेगी की कैफियत शदीद होती है, मलामत की कैफियत शदीद होती है, और अगर ये कैफियत बाकी रहे तो नफ्स पाकीजा होकर मुलहिमा और फिर आखिरी मरहले में मुतमइन्ना बन जाता है। बस नफ्स को कहां रखना है, मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, दीन हमसे कहता है सिर्फ कंट्रोल रखो, बस अफरात और तफरीत से बचा लिया, यही तरबियत नफ्स। तरबियत नफ्स में इससे आगे कुछ नहीं है। ये जो हम बाज़ोकात समझते हैं कि तरबियत नफ्स कोई बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एतदाल में नफ्स को रखना, यही नफ्स को कंट्रोल करना। ये मरहला तय हो जाए तो अक्ल खुद ब खुद हाकिम होती है, और जब अक्ल हाकिम होती है तो इंसान अपनी फितरत में कमाल तलब पाया जाए। फितरतन कमाल तलब कैसे है, ये आपकी खिदमत में अर्ज करूं फिर बात को आगे बढ़ाओ। और इसी जगह से इंसान के अंदर खुदा परस्ती इंसान के वजूद और फितरत के अंदर पाई जाती है। यानी इंसान फितरतन खुदा परस्त है, फितरतन इंसान तौहीद परस्त, इंसान फितरतन मैंने अर्ज किया कमाल पसंद है। पहले आम मिसाल दूं फिर बात को आगे बढ़ाओ। हम कोई भी कमाल किसी भी शय में देखते हैं हम उसकी आरजू करने लगते हैं, ये फितरतन। आप किसी अच्छे शायर को देखते हैं तो कुछ दिन तक आपके अंदर भी शायर मचलता रहता है। किसी अच्छे आर्टिस्ट को देखते हैं तो आपका भी दिल चाहता है कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं शाहकार। बस जिस भी बा कमाल चीज को इंसान देखता है और अपने आप के अंदर वो कमाल नहीं पाता, इंसान ख्वाहिश करता है ये कमाल मुझे हासिल हो। परिंदे को उड़ता हुआ देखता है तो ख्वाहिश करता है कि मैं भी उड़ूं। चीते को तेज दौड़ता हुआ देखता है तो ख्वाहिश करता है कि ये कमाल भी मेरे अंदर मौजूद। सवाल ये पैदा होता है कि यही जो कमाल तलबी या कमाल पसंदी है इसका भी रीशा क्या है, कहां से है? इसका रीशा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खिलकत के अंदर रखा। वो खिलकत क्या है, अल्लाह ताला इंसान के बारे में मुख्तलिफ मकामात पर जो इरशादात हैं, मसलन फरमाया खुलकल इंसानो ज़ईफा, इंसान को ज़ईफ खल्क किया। एक मकाम पर फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैय़ा,
अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस हालत में निकालता है। ला तअलमुन शैआ, इंसान की दूसरी हकीकत क्या है? जहल। अब ज़ईफ किस एतबार से है? ज़ईफ इस एतबार से है कि आप देखें हर हैवान, इंसान चूंकि हैवान की कैटेगरी में है इसलिए हम उससे बहस कर रहे हैं, हर हैवान इंसान के अलावा जब दुनिया में आता है अपनी जिंदगी गुजारने का इल्म भी लेकर आता है, ताकत भी लेकर आता है और कोई कमाल मखसूस भी अपने साथ लेकर आता है। हर हैवान का कोई ना कोई एक ऐसा कमाल है कि जो उसकी सिंफ से मखसूस है। मसला मिसाल आपसे दूं कि बाज हैवानात जो शक्ल में एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन अपनी सिफत कमालिया जिसको कहा जाता है उसके एतबार से मुख्तलिफ हो जाते हैं। मसलन शेर और चीते को अगर ढांचा पड़ा हुआ हो उनका तो कोई नहीं बता सकता हम जैसा कि इनमें क्या फर्क है, दोनों एक ही कैटेगरी कैट कैटेगरी से पाए जाते हैं, लेकिन चीते की सिफत कमालिया है तेज दौड़, शेर की सिफत कमालिया उसकी शुजाहत और उसकी ताकत, भेड़िए और कुत्ते बाजों का एक जैसे दिखाई देते हैं, फर्क क्या है? भेड़िया कभी वफादार नहीं होता और कुत्ता कभी भी वफादारी छोड़ता नहीं। सिफत कमालिया उसके अंदर दरिंदगी है, इसके अंदर वफादार। सिफत कमालिया हर हैवान के अंदर, वो छोटा सा मच्छर से लेकर आप हाथी तक चले जाएं, हर हैवान कोई ना कोई सिफत कमाली अपने अंदर रखता है। वाहिद इंसान एक ऐसी शय है, एक ऐसा जानवर है कि जिसके अपने अंदर जाहिरी तौर पर कोई सिफत कमालिया मौजूद नहीं। अब जो सिफत कमालिया है इंसान के बदन के अंदर है या नहीं है वो एक अलग बहस से जो इंसान चलासी में इंशाल्लाह कभी फुर्सत रही तो आपकी खिदमत दर्ज करूंगा। बस इंसान ज़ईफ है और जाहिल, इन दो चीजों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्या अता किया है? अक्ल, जो बाकी किसी को नहीं अता। अब जब इंसान दुनिया में आता है तो इंसान की कैफियत क्या है? आकिल है, अक्ल रखता है, साथ में जहल है और ज़ाफ है, कोई कमाल नहीं। जब अक्ल और जहल ये दो चीजें किसी वजूद के अंदर जमा होती है तो अक्ल का काम यह है कि वो जहां कहीं पर भी कोई नक्श देखती है और कोई कमी देखती है उसको हटाना चाहती है। यह अक्ल के अंदर फितरी तौर पर एक चीज है, हमारी फितरत है, हमें कोई भी चीज नक्श महसूस होगी अपने अंदर हम उसे दूर करना चाहते हैं। ये जो अक्ल नक्श को दूर करने की कैफियत रखती है जब वो इंसान के वजूद में जहल के साथ और ज़ाफ के साथ जमा होती है तो अक्ल इन दोनों नक्शों को निकालना चाहती है। अक्ल नहीं चाहती कि इंसान जाहिल रहे, अक्ल नहीं चाहती कि इंसान ज़ईफ रहे। बस जब अकल इन दो नक्शों के मुकाबले पर हरकत करती है इसी हरकत का नाम तलब कमाल, लिहाजा इंसान फितरतन कमाल पसंद। लिहाजा अब अगर आप अपने आप से पूछे बाकियों को छोड़ते बतौर विजदान, अगर आपसे कोई कहे कि आप कितने आलिम बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। आपसे कोई कहे तुम कितनी ताकत हासिल करना चाहते हो आप कहेंगे मैं सारी ताकतें हासिल करना चाहता हूं। ये इंसान की फितरत में कहां से आया है? इसलिए कि उसकी अक्ल अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं सारा इल्म हासिल कर सकता हूं तो कभी रुकेगी नहीं, अगर उसे पता लग जाए कि मुझे फला तरीके से सारी ताकत मिल जाएगी तो रुकेगी। बस ये अक्ल इंसान से क्या चाहती है? इंसान को उसके ये नक्स दूर करके उसे कमाल बना कामिल बनाना चाहती है, साहिब कमाल बनाना चाहती है। चूंकि अकल के अंदर ये कुवत मौजूद है इंसान फितरतन कमाल तलब। अब यहां तक तो अकल लेकर आती है इंसान को, इससे आगे के मराहिल सख्त हो जाते हैं, यहीं से जंग शुरू होती है शैतान और रहमान के निजाम। इंसान फितरतन क्या है? कमाल तलब। अब ये कमाल तलब अपने लिए कमाल तलाश करता है, मैंने अर्ज किया हर चीज को उसके कमाल को देखने के बाद चाहता है कि मेरे अंदर ये कमाल आए, और इंसान ने बहुत सारी तरक्कियां इसी की वजह से की। बस हम परिंदों को उड़ते हुए देखते बिलाखिर इंसान ने कहा खुद तो नहीं उड़ सकते जहाज बना लो, चीते को दौड़ते हुए देखा कभी खुद तो नहीं दौड़ सकते गाड़ी बना लो,
मोटरसाइकिल बना लो। ये सारी की सारी चीजें इंसान की इसी तलब कमाल का नतीजा है। अब बात या बात कीजिएगा, बस इंसान को अगर ऐसा साहिब कमाल कोई नजर आ जाए, इंसान खुद ब खुद उसके पीछे जाना चाहता है। ऑटोमेटिकली इंसान ये चाहेगा कि ये कमाल मुझ तक मिल जाए। अब गौर कीजिएगा, एक मरहले पहले यहां पर एक मरहला हल तय करूं, फिर वापस आऊंगा इस बात पर। अब यही कमाल, अगर इंसान को ये बात अकली तौर पर समझ में आ जाए कि इस कायनात में कमाल मुतलक जिस जात को कहते हैं वो अल्लाह है, तो फिर अकल कभी भी खुदा के अलावा किसी के पास जाना नहीं चाहिए। ये फितरी मसला है। लेकिन ये जो समझाना है, ये जो दर्क करना है, ये मराहिल चाहता है। अब इसके लिए मरहला क्या है? मरहला ये कि इंसान चूंकि हिस उसको मादे में जब अल्लाह बनफक्त फीह मिन रूही, हमारे बदन में जब रूह को डाला, तो मैंने अर्ज किया कि हमारी रूह अब इस बदन से ही सारा मामला तय करती है, लिहाजा इंसान महसूसात के मामले में सबसे ज्यादा कवी। कमाल भी जब तक महसूसात की दुनिया में नहीं उतरता उस वक्त तक इंसान उसे कमाल नहीं समझता। लिहाजा अब अल्लाह तबारक व तआला चूंकि जानता है कि मैंने इंसान को इस तलब कमाल के साथ पैदा किया है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए एक पूरा निजाम खल्क किया और ऐसे अफराद भेजे कि जो इंसान के सामने ऐसे कमालात का इजहार करते हैं जो उसकी अक्ल तर्क नहीं कर सकती। और इस कैफियत का नाम कि ऐसे कमालात के जिसको इंसान की अक्ल दर्क ना कर सके या इंसान की अक्ल उसके सामने आजिज हो जाए, इस्तिलाह में उसे मुअज्जज़ा कहा जाता है। अब ये जो मुअज्जज़ात है जो कि अंबिया ने, आइम्मा ने या औलिया करामात की सूरत में हमें दिखाते हैं, ये जितने भी खारिकुल आदा काम है, ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के काम है, इनका एक अहम मकसद क्या है? एक अहम मकसद इंसान की फितरत में मौजूद कमाल तलबी की जहतगीरी है। यानी अब मैं कमाल तलाश कर रहा हूं, मुझे कमाल अभी तक हैवानात में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैंने देखा कि नहीं, हैवानात के मुकाबले में ये एक इंसान ऐसा है कि जिसके हाथों में इतनी ताकत है, जिसकी आंखों में इतनी ताकत है, जिसके कान में इतनी ताकत है, जब इंसान उस वजूद के अंदर, इंसान के अंदर उन तमाम कमालात या उससे बड़े कमालात को मुशाहिदा करता है, तो फिर वो अपना हदफ हैवानात को नहीं बनाता, उस इंसान को बनाता है कि जो ये सारे के सारे काम करके दिखा रहा होता है। लिहाजा इस जरिए से गौर कीजिएगा, अब यह अल्लाह का नुमाइंदा है। जब इंसान नबी का मौजज़ा देखता है, वली की करामत देखता है, तो खुद ब खुद उस जैसा बनने की ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो जाती है। और ये वो रास्ता है जहां से वली अपने पीछे आने वाले को खुदा तक पहुंचाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा याद रखिएगा, जितने भी आइम्मा अंबिया अलैहिस्सलाम, ये ठीक है कि फिकही या कलामी बहस में ये बात कही जाती है कि मौजज़ा जो है वो साहिब मौजज़ा से मुख्तस होता है, कोई गलत कलामी बहस है, वो उस जमाने के और मकान के एतबार से कुछ चीजें हैं, लेकिन उससे बात हटकर जब इंसान कामिल की बहस आती है, तो उलमा ये कहते हैं कि इंसान कामिल उसे कहते हैं जो हत्ता हर तरह के तकरीबन मौजज़े या करामत पर कादिर हो जाए। लिहाजा मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे जगा रहे हैं, तो फिर मोमिनीन में से एक तादाद ऐसी हो सकती है कि जो हजरत ईसा की तरह से मुर्दे जिंदा करे। और बहुत सारी अभास है जिसमें मौजूद। अब होता क्या है, शैतान इधर आकर दो काम करता है। पहला काम क्या करता है? पहला काम वो ये करता है कि वो अल्लाह के वली, नुमाइंदे, नबी और इमाम और हमारे जहन के दरमियान में एक गैप ईजाद करता है। वो गैप क्या है? वो गैप ये है कि शैतान हमारे अंदर एक ऐसा तकद्दुस ईजाद करता है जो हमें इमाम के नजदीक जाने से रोकता है। लिहाजा आमतौर पर हमारी जहनियत क्या है? आमतौर पर हमारी जहनियत ये है कि हम तो इमाम जैसे बन ही नहीं सकते, इमाम नहीं बन सकते, इमाम जैसे बन सकते। मैंने नहीं कहा, देखिए मौलाए कायनात अली नहीं बन सकते,
हम अली नहीं बन सकते, लेकिन अली अलैहिस्सलाम जैसे बन सकते हैं। अगर न बन सकते होते तो जनाब सलमान को मिलना अहलुल बैत की सनद नहीं आता। अगर न बन सकता कोई और तो जनाब मालिक के अस्कर के लिए खुद मौलाए कायनात के ये अल्फाज नहीं होते कि मैं जैसा पैगंबर के लिए था मालिक मेरे लिए वैसा है। आइम्मा इन अल्फाज के जरिए से हमें ये समझा रहे हैं, ये वो शख्सियात है। मसलन जब हम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करते हैं तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम लिहाजा उस्ताद हमारे, उनका बड़ा खूबसूरत जुमला है। वो कहते हैं कि आइम्मा और मासूमीन अपनी इमामत और इस्मत के दराजात की वजह से हमारे जहनों में एक तकद्दुस ईजाद करता है और हम डरते हैं, खौफ खाते हैं इस बात से कि हम ये बात कह सकें। का हमें एहसान मंद होना चाहिए उन शख्सियात का कि जिन्होंने उस इमामत के दर्जे और उस इस्मत मुतलका की मंजिल पर ना होकर आइम्मा हो जैसा बनकर दिखाया ताकि हमारे लिए रास्ता खुला रहे। लिहाजा कोई मसला नहीं है, आप अली जैसे नहीं बन सकते, मालिक इस्तर जैसे तो बन सकते हैं, अबू जर और सलमान जैसे तो बन सकते हैं, बस इन जैसा बनना कोई अहले बैत जैसा बनना, बस रास्ता खुला है कि जिसको शैतान रोकता है। दूसरा काम शैतान क्या करता है? दूसरा काम शैतान ये करता है कि शैतान इलाही नुमाइंदों के मुकाबले पर अपने नुमाइंदे लेकर आता है। इलाही नुमाइंदे हैं, मौजजात दिखाते हैं, शैतान के नुमाइंदे क्या करते हैं? शैतान के नुमाइंदे कुछ नहीं कर सकते। ताज्जुब अंगेज बात जो वाकई है, अगर इंसान इस पर गौर करे तो वाकई है कि शैतान एक तरफ से हमें क्या समझाता है, कहता भाई नबी नहीं जैसा, अली जैसी इबादत कौन करे, बस खत्म हो जाती है ना। यहीं से आकर बात शुरू कर दो, कहता भाई अली जैसी इबादत कौन कर सकेगा, हत्ता जनाब सलमान अबू जर इन सब के बारे में। आम इंसान जो होता है वो उलमा के बारे में ही सोचता है, वो कहता भाई इस्लाम मौलाना जितनी इबादत कौन करेगा, ये सब मौजूद है। ये हर हर दर्जे के ऊपर एक एक रुकावट मौजूद है। लिहाजा जब इंसान ये दूरी ईजाद कर लेता है, अपने अंदर ये कैफियत पैदा कर लेता है कि मैं नहीं हो सकता तो नहीं। दूसरी तरफ शैतान क्या करता है? शैतान जब अपने नुमाइंदे लेकर आता है तो शैतान के पास हकीकी कोई नुमाइंदा नहीं। और ये मैं अर्ज कर रहा हूं, ये ताज्जुब अंगेज तरीन चीज है। शैतान के नुमाइंदे तूल तारीख में ख्याली नुमाइंदे रहे कि जिसको इस्तेलाह में मिथोलॉजी कहा जाए, देवमालाइयत। अब पुराने दौर में इस देवमालाइयत की शक्ल क्या थी? इस देवमालाइयत की शक्ल कहानियां थी, नज़में थी, जिसमें खुदा और खुदाओं का जिक्र है, वो आपस में शादियां करते हैं, फिर उनमें से कुछ इंसानों से शादियां कर लेते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे इंसान पैदा होते हैं जो हाफ डिविनिटी लिए हुए। अब यह आसान रास्ता, हम बन तो नहीं सकते ऐसे, लेकिन इंसान को अपने जहन की तस्कीन के लिए यह आसान रास्ता है कि खुदा किसी मसलन औरत से शादी कर लेगा तो नतीजे में मसलन हर पुलिस पैदा हो जाएगा, या कोई लेडी खुदा किसी मर्द से शादी कर लेगी तो फला चीज पैदा हो जाएगा। ये इंसान, अब यह आसान रास्ता है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत, इसमें आपका कोई कमाल नहीं, और कर रहे हैं आप। ये चीज इंसान को निस्बतन आसान लगती है। अब उसने क्या किया? उन गैर हकीकी करेक्टर्स के अंदर अपनी तस्कीन का सामान मुहैया करना शुरू कर दिया। अब गौर कीजिए, नबी को आइडियल बनाने के लिए नफ्स परस्ती नहीं चाहिए। अगर आप नबी को, इमाम को उसी तरह से आइडियलाइज करें जिस तरह से मिथोलॉजी में किया जाता है तो खुद नबी या इमाम भी एक मिथोलॉजी बन जाता है। नबी या इमाम को अकल के जरिए सताबित करना, अकल के जरिए फॉलो करना, लेकिन वहां अकल की जरूरत नहीं है। अब ये मिथोलॉजी दुनिया में क्यों कामयाब रही, तूले तारीख में क्यों रही? इसलिए कि ये इंसान की तस्कीन का बायस। अब क्या आज के दौर में मिथोलॉजी खत्म हो गई? नहीं, शैतान हथियार नहीं डालता, शैतान अपने काम जारी रखता। मौजूदा दौर में उसने पूरी की पूरी मिथोलॉजीज को फिल्मों की शक्ल में तब्दील करके मिथोलॉजीज का एक नया बाप शुरू किया। अब जो हीरोज हैं वो मिथोलॉजी की दुनिया से निकलकर सुपरमैन,
स्पाइडर मैन, बैट मैन और फनी आयरन मैन और पता नहीं कौन सी वुमेन, ये सारे के सारे करेक्टर्स उसने बनाना शुरू कर। अब मसलन एक्वामैन बना दिया उसने। एक्वामैन क्या है? पानी की देवी एक मर्द से शादी करती है, नतीजे में एक्वामैन साहब पैदा हो जाता है। अब एक्वामैन के अंदर कोई कमाल नहीं है, इबादतें करने की जरूरत नहीं है उसे, रियाजतें करने की जरूरत नहीं है, अपने नफ्स को गुनाहों से रोकने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे आप एक्वामैन बन गए। स्पाइडरमैन बनने के लिए एक मकड़ी आपको काटेगी और आप स्पाइडरमैन बन जाएंगे। आसान रास्ता है कमाल, लेकिन कौन सा है? और कीजिएगा, कौन सा रास्ता है? ये गैर आकलाना रास्ता। और खौफनाक मरहला क्या है? खौफनाक मरहला ये है कि हम उसी गैर हकीकी और गैर आकलाना चीज को आइडियलाइज करते हैं। अब और कीजिएगा, आप क्या समझते हैं कि ये फिल्में जिन पर मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होता है किसने करते हैं? अगर आप इनमें से किसी एक चीज को भी आकल के तराजू पर रखकर देखना शुरू करेंगे तो आपको ये सिवाय हिमाकत के कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसी हिमाकत को वो हमारे बच्चों को दिखाना शुरू करता है और वहां से लेकर वो हमें उस जगह तक लेकर जाता है जहां पर हमारे जवान, हमारे बूढ़े, हमारे मर्द खवातीन सब मिलकर स्पाइडरमैन और सुपरमैन देख रहे हैं। अब ये पूरी साइंस है इसके पीछे, ऐसे नहीं है। मरहला क्या है? बच्चे को अगर उसी दौर में आपने गैर हकीकी चीजों का आशिक बना दिया, सफर मैंने बता दिया, और नफ्स से अक्ल अक्ल की तरफ सफर करता है। अब आपका बच्चा जब जवान हो रहा है तो वो ऐसे गैर हकीकी करेक्टर्स को अपनी जिंदगी में आइडियलाइज करके जवान होता है। अब जब वो गैर हकीकी करेक्टर्स को लेकर जवान होता है तो गौर कीजिएगा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा जब वो दीन में आकर, गौर कीजिएगा, ये पूरी फिलॉसफी, जितने भी अंबिया के मुजजात हैं उन सब को फिल्मों में कहीं ना कहीं इन्हीं के जरिए से, किसी को जादू के जरिए से, किसी को फिक्शन के जरिए से, किसी को किसी और जरिए से दिखाया जा रहा है। मसलन किसी फिल्म में दिखा दिया कि जादू के जरिए से दरिया दोपारा हो गया। अब वो बच्चा जो ये चीज अपने बचपन में देखेगा और हमारे और आपके हिसाब से अकीदा बड़ा होकर पड़ेगा, तो जब वो बाद में हजरत मूसा का वाकया पढ़ रहा होगा तो उसके लिए हजरत मूसा का वाकया एक फिक्शन से ज्यादा कुछ बाकी नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सुपरमैन बुनियादी तौर पर किसके मुकाबले पर है? सुपरमैन हर वो काम करके देगा जो आप मौलाए कायनात से मुतवक्किल हैं। वो एक हाथ पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें उठाकर दिखाएगा। वो अपनी आंखों की कुव्वत से बहुत सारी चीजों को टेढ़ा कर देगा। वो पत्थर के अंदर बहुत सारी चीजों को गाढ़ देगा। ये सब क्या है? इस सब के पीछे काम क्यों हो रहा है? इसलिए काम हो रहा है कि ताकि हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर शैतान कहानियों की सूरत में, फिल्मों की सूरत में अपने आइडियल्स क्रिएट कर दे। अब ये हमारी खामी है। अब गौर कीजिएगा, आइम्मा के मौजजात के बयान का जो असल मौका है वो हमारे बच्चे और नौजवान। अगर हम यही आइम्मा के, उनके असहाब के मौजजात और उनके कारनामे अपने बच्चों को सिखाकर याद करा के और फिर उसकी अकली दलील भी उन तक दे दें, तो जब वो जवान होंगे वो जानते होंगे कि मैं भी यहां तक पहुंचने की सलाहियत रखता हूं। लिहाजा आइम्मा को जो आइडियलाइज करना है वो एक हकीकी आइडियल है। उसके मुकाबले पर शैतान अपने ऐसे आइडियल्स लेकर आता है कि जो गैर हकीकी। और बस एक आखिरी बात करो, फिर गुफ्तगू को तमाम करो। आप गौर कीजिएगा कि जितने भी हीरोज शैतान डेवलप करता है उन सब को बुनियादी तौर पर कार्टूनिक फॉर्म देते हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े, मसलन कभी आप स्पाइडरमैन से जाकर पूछे कि भाई तेरे अंदर कोई कलर कॉम्बिनेशन की कोई सेंस नहीं थी? ये लाल नीला सा जो एक अजीब सा लिबास है। मतलब सुपरमैन से आपने कभी नहीं पूछा कि अंडरवेयर नीचे पहनना चाहिए या ऊपर पहनना चाहिए?
ये जितने भी कार्टूनिक फॉर्म में कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। जब आपका आइडियल कार्टून बन जाता है तो आप अपनी जिंदगी सिर्फ एक और सिर्फ एक कार्टूनिक फॉर्म में ही उतारने के लिए तैयार, पूरी हयात आपकी कार्टून बन जाती है, फिर आपकी जिंदगी में रियलिटी बाकी नहीं रहती। लिहाजा क्या होता है, ये हो रहा है। आइम्मा के मुजजात, आइम्मा की करामात के पीछे अट्रैक्शन क्यों खत्म हो रही है? इसलिए खत्म हो रही है कि बच्चों के जहन फितरी तो हमें और आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, गैर महसूस तरीके से हो रहा है। मेरा बच्चा जो सुपरमैन देखकर बड़ा हुआ है, स्पाइडरमैन देखकर बड़ा हुआ है, ये सारे कैरेक्टर्स देखकर बड़ा हुआ है, और अब जाकर उसको बता रहा हूं कि मौला अली ने ये किया, हजरत अब्बास ने ये किया, मालिक अश्तर ने ये किया, अंबिया ने ये काम किए, तो जहां जहां मैं उसे जो बता रहा हूं उसके जहन में एक कार्टूनिक कैरेक्टर मौजूद है जो ये सब कुछ करके दिखा रहा है। लिहाजा अब ये मुझे और आपको तय करना है कि हमने किसके पीछे जाना है। आइम्मा ने ये सारे के सारे मौजजात, आइम्मा के ये सारे के सारे करामात किस लिए थे? ताकि मैं और आप ये समझ सकें कि तुम्हें अगर कमाल की तलब है तो हमारे पीछे रहो, हमें फॉलो करो। आइम्मा को फॉलो करने का हर मरहला, और ये कमाल है आइम्मा कि आइम्मा को फॉलो करने का हर मरहला अक्ली है। आप आइम्मा को बगैर अक्ल के फॉलो नहीं कर सकते, पसंद जरूर कर सकते हैं। लिहाजा अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत, अगर मेरे दिल में हजरत अमीर की मोहब्बत, अगर मेरे दिल में हजरत अमीर से मुतअल्लिक जो मोहब्बत है वो बगैर दलील के है, तो बस मेरी उस मोहब्बत में और मेरे बच्चे के अंदर जो सुपरमैन की मोहब्बत है उसके अंदर कोई फर्क मौजूद नहीं। तो खुद हजरत अली क्या बन जाते हैं? एक इसी तरह का गैर हकीकी किरदार बन जाते हैं, जबकि अली से बड़ी हकीकत कायनात में कोई नहीं। अब इस दौरान गौर कीजिए, इस दौरान वाहिद रास्ता क्या है कि हम अपने बच्चों को या अपने जवानों को या खुद अपने आप के लिए हम ये समझा सके कि नहीं, अली एक ख्याली किरदार का नाम नहीं है, एक हकीकी किरदार का नाम है। वाहिद रास्ता खुद का नाम है अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीर का कलाम है। इसलिए कि ये जितने भी कैरेक्टर्स आप देखें गौर कीजिए, जितने भी इन्होंने बना लिए, इनसे ये सब कुछ अदा करवा सकते हैं, इंसान की हिदायत का रास्ता भी अदा करवा सकते हैं। ये शैतान की कमजोरी भी है, अगर कार्टून कुरान और अहले बैत की जबान बोलने लगे फर्ज करें वही करेक्टर, तो काम तो दीन का होना शुरू हो जाएगा, ये वो करवा नहीं सकता। लिहाजा वाहिद रास्ता अपने आप को अहले बैत के पीछे लगाने का ये है कि हम अपने अंदर संजीदगी पैदा करें, उस फेज से बाहर निकले कि जहां पर हम चीजों को एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं। जितनी हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट ज्यादा होगी उतनी हमारी जिंदगी गैर संजीदा खुद ब खुद होती चली जाएगी, और गैर संजीदगी का आखिरी नुकसान जो इंसान के अंदर होता है वो क्या होता है कि इंसान गैर संजीदगी के जाल में फंसने के बाद उस जगह पहुंच जाता है कि जहां उसके अंदर से असलन हुब्बे कमाल खत्म हो जाता है, और जब हुब्बे कमाल खत्म हो जाती है तो इंसान की जिंदगी का हदफ सिवाय लज्जात और शहवात के कुछ नहीं रहता। जब उसमें उसको सुकून नहीं मिलता तो आखिरी चीज जो इंसान के लिए बच जाती है वो अपनी इस जिंदगी का खात्मा होता है। लिहाजा आप जाकर देख लें कि वेस्ट में आज तक खुदकुशी का रेशो बहुत ज्यादा है। क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? जवान खुदकुशी कर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इसलिए कि जब आप लज्जात के पीछे जा रहे होते हैं और आपको वो सारी लज्जात, वो चैन, वो सुकून अता नहीं होता, तो बिलाखिर इंसान अपनी जिंदगी का खात्मा होता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला बुनियादी तौर पर इंसान की निजात का रास्ता है जो उसे दे रहा है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम से जितनी हमारी मारिफत बढ़ती जा रही है उसमें अहम तरीन उनसुर जो हमें अहले बैत से जोड़कर रखने वाला है वो हमारे अंदर संजीदगी की कैफियत है। अगर हम संजीदा हैं
تو ہم خود بخود اس راستے پر آ جائیں گے جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا. اور محمد آل محمد بلند ترین صلوات. صلی اللہ. بس ایک آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بحث کو تمام کروں. انسان جب کمال طلب ہے اور اپنے لیے چاہتا ہے کہ میں کمال کو حاصل کروں, یہ فطری طور پر نہ چاہیے. اگر انسان کو شیطان اغوا نہ کرے کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, دعویٰ ہے اس کا, اور آج کے دور میں اغوا کرنے کا راستہ اس کا ڈیجیٹل, موبائل, ٹیبلٹ, ٹی وی, یہ سارے کے سارے اس وقت بنیادی طور پر, اصل ان کی بری نہیں ہے لیکن اس وقت یہ سارے کے سارے شیطان کے اعلی کار. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے بچوں کو, اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بچے رہیں شیطان اغوا کرے, اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہماری بات نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بچے رہے ہی نہیں ہوتے. اگر انسان کے اندر یہ طلب کمال باقی رہے, میں نے عرض کیا, وہ خود بخود کمال مطلق خدا کی ذات کو دریافت کرنے اور وہاں تک پہنچنے کی طلب رکھتا ہے, اتنی شدید طلب ہے انسان کے اندر یہ کہ اگر اس کی صرف ڈائریکشن صحیح ہو انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہر اس مرحلے میں کہ جہاں پر انسان خدا کو درک کرنا یا خدا تک پہنچنا چاہتا ہے, ایک مرحلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے انسان کے لیے, وہ کہ انسان, میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ عالم غیب سے کنیکٹیویٹی کے لیے کوئی ایسا وسیلہ اسے درکار ہے کہ جو اسے اور عالم غیب سے کنیکٹ کرے, اور جب انسان اس کی ضرورت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو خدا اس کے لیے امام یا نبی کی صورت میں وہ واسطہ مہیا کرتا ہے کہ جو اسے خدا تک لے کر جاتا ہے. کربلا اس اعتبار سے تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو بہت عام انسانی سطح پر رکھ کر کربلا کو برپا کر کے وہ معجزہ کیا ہے جو کوئی اور ولی اللہ کا انجام نہیں دے سکتا. کربلا کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ امام نے اس کو عام, میرے اور آپ جیسے عام انسانوں کی سطح پر رکھا ہے کسی بھی جگہ. بعض لوگوں نے بعض معجزات کو نقل کیے ہیں, شاید ان میں سے بعض کی کوئی ضرورت ایجاد ہوئی ہو, لیکن اگر آپ عام طور پر مقاتل اور کربلا کا مطالعہ کریں تو عام طور پر جو چیز آبزرویشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے پوری کربلا میں کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھایا. امام کے لیے کوئی کام نہیں تھا یہ مشکل کہ امام پانی کو اشارہ کرتے اور امام کے قدموں میں پانی آ جاتا ہے. امام کے لیے یہ کوئی کام نہیں تھا, حتیٰ لشکر یزید کو ختم کرنے کے لیے امام کو معجزے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے امام کے لشکر کے کچھ سپاہی کافی تھے. اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہے, مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں اور خود مقتل میں ان کا اظہار بھی ہوا کہ جو انشاءاللہ بعض اس میں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا عام انسانی سطح پر رکھا ہے امام نے کربلا, یہ امام کا سب سے بڑا کام ہے. مجھ جیسے ناقص افراد بھی کربلا واحد جگہ ہے کہ جو ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا کر دیتی ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز. اس لیے کہ کربلا میں ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت بظاہر نظر, اپنے جیسے فقیر بھی ہے, غلام بھی ہے, آزاد بھی ہے, کاروباری بھی ہے, ہر طرح کا شخص موجود ہے کربلا, اور کوئی ڈائمنشن انسانی حیات کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو امام حسین نے کربلا میں مس کیا. کوئی ڈائمنشن دنیا میں, اور بہت سارے یہ بحث ہے کہ جو رئیس امروی صاحب کے بھائی سید محمد تقی فلسفی نے کربلا تاریخ کا مستقبل بہت خوبصورت کتاب, بہت خوبصورت, اس میں آپ نے ادبی اور فلسفی اعتبار سے یہ بحث کی ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کی جتنی بھی ٹریجڈیز ہیں
कि जिनकी इंसानी अदब और हयात के ऊपर आसार हैं उनमें इतनी जिहाद आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन करबला एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसके इंसानियत के ऊपर सबसे शदीद असरात हैं और आज तक बाकी इसलिए है कि करबला वो ट्रेजेडी है कि जिसने इंसानी हयात के किसी गोशे को छोड़ा। आप अपनी जिंदगी में कब कहां खड़े हैं ये मुमकिन नहीं है कि आपके लिए करबला में नमूना मौजूद ना। जो हुसैन 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा अपने साथ लेकर गया, मर्द हुसैन के साथ मौजूद, खातून औरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद, जवान इमाम के साथ मौजूद हैं, शादीशुदा इमाम के साथ मौजूद हैं, गैर शादीशुदा इमाम के साथ मौजूद हैं, आजाद मौजूद है, गुलाम मौजूद है, फकीह मौजूद है, कोई जिंदगी का गोशा ऐसा नहीं है कि जिससे करबला ने छोड़ और फिर अपनी औलाद और अपने बच्चों में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कीमती तरीन अफराद खुदा के हुजूर कुर्बान किए और इनमें से बहुत कीमती हैं ये शख्सियतें कि जिनको जनाब आम और जनाब मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं जनाब आम और जनाब मोहम्मद इन दोनों शहजादों के हत्ता मकातिल में भी बहुत ज्यादा न बातचीत मिलती है न गुफ्तगू मिलती है न मसाइब मिलते हैं। जाहिरन ऐसा लगता है जैसे इन दोनों शहजादों की शख्सियतें दबी होनी। तारीख में जो वाकयात मिलते हैं कि जब हजरत रवाना हुए हैं तो जनाब अब्दुल्ला बहुत बीमार थे और जब आपको इत्तला मिली तो इमाम मदीने से बाहर जा चुके थे, अपने दोनों शहजादों को लेकर पहुंचे उसी बीमारी के आलम में और इमाम से कहा कि मौला मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता लेकिन अपने ये दो शहजादे आपके साथ भेज रहा हूं। खुद जनाब अब्दुल्ला साहिब बसीरत शख्सियत है और जो हालात देख रहे हैं उसके मुनासिबत से आपने कहा मौला जहां कहीं जरूरत पड़ जाए मेरे ये दोनों बच्चे आप पर वक्फ हैं सदका है कि मेरी जानिब से आपकी कुर्बानी है। जनाब अब्दुल्ला अपने बच्चों के जरिए से करबला शरीक हुए हैं और बच्चों के जहन में तब से ये बात मौजूद है कि हम अपने मामू पर कुर्बान होने के लिए। लिहाजा जब असाब खत्म हो गए और जनाब आली अकबर को भेजा गया है सबसे पहले तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हालत अच्छी थी। जब जनाब अली अकबर का जनाजा खैमागाह में आया तो जनाब अली अकबर की शहादत की तकलीफ और दर्द सबको था लेकिन जनाब ज़ैनब के दिल में दूसरा दर्द यह था कि हुसैन का बेटा शहीद हो गया ज़ैनब के बेटे रह गए। खुदा जाने जनाब ज़ैनब क्या शख्सियत है। वाकई में तारीख का ये किरदारों में से हैं। खैर हम तो बहुत सो को नहीं समझ सकते। जनाब ज़ैनब तो वाकई मावराए अक्ल शख्सियत है। मां होते हुए जनाब ज़ैनब जैसी मां नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने बेटों से मोहब्बत नहीं है लेकिन इमाम की मोहब्बत कैसे गालिब आती है इसका नमूना जनाब ज़ैनब है। लिहाजा करबला में बीबी का बिहेवियर यह है दोनों शहजादों को देखकर कह रही है तुम अभी तक जिंदा हो और शहजादों के आलम यह हो चुका है कि अब खैमों के नजदीक नहीं आ रहे कि अगर मां की निगाह पड़ेगी तो मां फिर पूछेगी तुम अभी तक जिंदा हो। लिहाजा बार बार इमाम के पास जा रहे हैं। बाहर इमाम मोहब्बत करते हैं दोनों शहजादों से। इमाम नहीं इजाजत बहन से मोहब्बत करते हैं नहीं इजाजत दे रहे इमाम लेकिन शहजादे एक अजीब सी कैफियत में है या मां को इजाजत नहीं दे रहे हैं वहां मां सूरत देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं मैंने अर्ज किया मोहब्बत का मरहला है मां मोहब्बत करती है लेकिन यहां जनाब ज़ैनब के सामने इमाम की औलाद मौजूद है
लिहाजा एक मरहला वो आया, शहजादे आकर इमाम के पैरों में बैठ गए, कहा मौला हमारी माँ हमें देखना नहीं चाहते, बार बार जब भी हम जाते हैं माँ हमसे कहती है तुम अभी तक जिंदा हो, मौला हमें जितने चाहते हैं। अब इमाम जानते हैं जनाब ज़ैनब क्या है, लिहाजा दोनों शहजादों को आमादा किया गया, दोनों जनाब ज़ैनब के शहजादे बैठ कर एक साथ दोनों भाइयों ने हमला किया, और जब हमला किया है तो साथ साथ रजस जो पड़ रहे हैं, तो ये दो बच्चे हैं कि जिनमें एक तरफ से खून है जनाब जाफर तैयार का, दूसरी तरफ से खून है अली मुर्तजा का, दो शुजाओं का खून बच्चों के अंदर मौजूद है, नौजवान हैं लेकिन ऐसी जंग की है कि यजीद के लश्कर वाले हमारे साथ के लश्कर वाले परेशान हो गए, और फिर शमर ने एक मरतबा आवाज लगा कर कहा, कहा ये जब तक दोनों साथ हैं इन्हें हराया नहीं जा सकता, लिहाजा एक बड़े लश्कर को भेजकर एक बड़ा हमला कराकर सबसे पहले शहजादों में जुदा ही कर लेंगे। नौजवान बच्चे जब दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए तब भाई है अपनी जंग के साथ साथ अब ये फिक्र भी राहत हो गई कि पता नहीं भाई के साथ क्या हो, और ऐन उस मराहिल में बच्चों पर जख्म लगने शुरू हुए, और एक मरहला वो आया कि जब बच्चे जख्मों की शिद्दत से बर्दाश्त न कर सके और घोड़ों से गिरे, जिस वक्त घोड़ों से गिरे हैं उस वक्त अपने मामू को आवाज दी, अलैकुम अब्दुल्ला, बस इस आवाज का जाना था इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को साथ लिए शहजादों तक पहुंचे हैं, लेकिन तारीख कहती है शहजादे जंग करके वो इतनी दूर तक जा चुके थे कि वहां तक पहुंचने और शहजादों को वापस लाने के रास्ते में दोनों शहजादों ने दम तोड़ दिया, जनाजे लेकर हजरत पहुंचे हैं, अब खुद हजरत इमाम हुसैन के लिए एक अजीब मंजिल है, अब तक हुसैन जितने जनाजे लेकर आए ज़ैनब को हमेशा सबसे आगे पाया है, लेकिन अब जब शहजादों के जनाजे आए हैं तो ज़ैनब दरवाजे पर नजर नहीं आ रही, अरे माँ अम्मा फिजा, अरे ज़ैनब से कहो शहजादे आए हैं, जनाब फिजा तलाश करते हुए जब जनाब ज़ैनब के में पहुंची है तो देखा जनाब ज़ैनब सजदे में पड़ी हुई है और रो रो कर दुआएं कर रही है, बारे इलाहा मेरी आबरू तेरे हाथ में है, बारे इलाहा मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना, अरे बारे इलाहा मैं अपनी माँ को क्या शिकस्त हिफाजत फरमा, दुश्मनान आज़ादारी दुनिया में जहाँ जहाँ है उनको नीस व नाबूद फरमा, तमाम उलमा मराज़ेज़ाम की हिफाजत फरमा, मोमिनीन को अपने हिफ्ज़े अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा, हम सब को इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम के अहवाल अनुसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर रहीम। हुसैन 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 शबीब का कमर सजका हो अब खेमे में बेटा, Oh no।
उनकी नसरत बताओ खुदा
السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة النساء والعالمين
السلام عليك يا غريب الله، السلام عليك يا معين الرفاه والفقراء، السلام عليك يا نفس شعث الأزهار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض الفردوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسلم الضمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجن، وعجل الله تعالى فرجا، وسحر الله تعالى مخرجا، وزهر رحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك حتى تبت الحسن، صلواتك عليه وعلى في هذا السهر وفي كل سهر، وليا وحافظا وحولا لنا سوى، ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى، وتغذيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.